नमस्कार दोस्तों, बघेल ट्यूटोरियल के इस ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत है। आप सभी विद्यार्थियों के करंट अफेयर्स के जरूरतों को पूरा करने के लिए बघेल ट्यूटोरियल एक साप्ताहिक करंट अफेयर्स सीरीज ला रही है, जिसमें सप्ताह भर में घटित घटनाओं को न केवल MCQ के माध्यम से सॉल्व करेंगे, बल्कि उनसे संबंधित अन्य जानकारी जिनके इर्द गिर्द आपके परीक्षा के सवाल बनाए जा सकते हैं उन सबका अध्ययन करेंगे। ये न केवल CGPSC एग्जाम्स बल्कि व्यापम द्वारा आयोजित अनेक अन्य एग्जाम जैसे SI, RI, पटवारी, हॉस्टल वार्डन जैसे अन्य एग्जाम्स के लिए भी समान रूप से उपयोगी साबित होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। आज का पहला प्रश्न है दोस्तों, हाल ही में भारत सरकार द्वारा छत्तीसगढ़ में वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए मनरेगा मजदूरी दर कितना तय किया गया है? आपके ऑप्शन हैं, पहला 229 रुपये, दूसरा 233 रुपये, तीसरा 221 रुपये, चौथा 236 रुपये। इसका सही जवाब होगा दोस्तों 221 रुपये। हाल ही में भारत सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए मनरेगा मजदूरी दर की नई लिस्ट जारी की गई है। इसमें छत्तीसगढ़ में मनरेगा की दैनिक मजदूरी दर 221 रुपये तय किया गया है, जिसमें सर्वाधिक मजदूरी दर हरियाणा राज्य के लिए 357 रुपये तथा सबसे कम मजदूरी दर मध्य प्रदेश एवं छत्तीसगढ़ राज्य के लिए 221 रुपये तय किया गया है। अब बात मनरेगा की आ गई है तो मनरेगा के बारे में भी थोड़ा सा जान लेते हैं। मनरेगा का प्रारंभ 2 फरवरी 2006 को राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 नरेगा के नाम से आंध्र प्रदेश के अनंतपुर से किया गया था। इस योजना का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार मुहैया कराना था। तो अक्टूबर 2009 को इस योजना का नाम बदलकर महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम अर्थात मनरेगा कर दिया गया। इस योजना के तहत प्रत्येक परिवार को प्रत्येक वित्तीय वर्ष में 100 कार्य दिवस का अकुशल श्रम प्रदान किया जाता है। छत्तीसगढ़ में इसके तहत 150 कार्य दिवस का अकुशल श्रम प्रदान किया जाता है, जिसमें 50 कार्य दिवस का भुगतान राज्य सरकार द्वारा किया जाता है। अभी वर्तमान में केंद्रीय पंचायती राज मंत्री श्री गिरिराज सिंह जी हैं और छत्तीसगढ़ में पंचायती राज मंत्री श्री रविंद्र चौबे जी हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में नए मुख्य न्यायाधीश कौन होंगे? आपके ऑप्शन है, पहला विनोद चंद्रन, दूसरा रमेश सिन्हा, तीसरा संतोष गोस्वामी, चौथा इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब होगा दोस्तों रमेश सिन्हा जी। हाल ही में इलाहाबाद उच्च न्यायालय के एक अन्य न्यायाधीश रमेश सिन्हा जी को छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश बनाया गया है। अब छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के बारे में भी जान लेते हैं। राज्य गठन के साथ ही बिलासपुर हाईकोर्ट का गठन किया गया था। इसके प्रथम कार्यवाहक न्यायाधीश RS गर्ग थे तथा छत्तीसगढ़ के प्रथम मुख्य न्यायाधीश WS शशांक थे। छत्तीसगढ़ का उच्च न्यायालय बिलासपुर के बोदरी में स्थित है, जो कि देश में 19वें क्रम का उच्च न्यायालय है। यह क्षेत्रफल की दृष्टि से एशिया का सबसे बड़ा उच्च न्यायालय है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देश में न्याय दिलाने में छत्तीसगढ़ कौन से क्रम का राज्य है? आपके ऑप्शन है, पहला 7वें क्रम का राज्य, दूसरा 8वें क्रम का राज्य, तीसरा 9वें क्रम का राज्य, चौथा 10वें क्रम का राज्य। इसका सही जवाब होगा दोस्तों 9वें क्रम का राज्य। हाल ही में इंडिया जस्टिस द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार देश में न्याय दिलाने में छत्तीसगढ़ 9वें क्रम का राज्य है। इसमें कर्नाटक राज्य अव्वल अर्थात प्रथम नंबर पर है। यह रिपोर्ट सेंटर फॉर सोशल जस्टिस कॉमन कॉज और कॉमनवेल्थ ह्यूमन राइट इनिशिएटिव के सहयोग से टाटा ट्रस्ट द्वारा जारी किया जाता है। यह रिपोर्ट सर्वप्रथम 2019 में जारी किया गया था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ का पहला छत्तीसगढ़ी डिजिटल रेडियो स्टेशन का क्या नाम है? आपके ऑप्शन है, पहला रेडियो साथी, दूसरा रेडियो संगवारी, तीसरा संगी साथी, चौथा मोर रेडियो। इसका सही जवाब होगा दोस्तों रेडियो संगवारी।
हाल ही में माननीय मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी ने अपने कार्यालय में आयोजित एक कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ का पहला छत्तीसगढ़ी रेडियो स्टेशन रेडियो संगवारी को लॉन्च किया। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। छत्तीसगढ़ में राजीव गांधी भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना के तहत प्रतिवर्ष कितने रुपये की सहायता राशि प्रदान की जा रही है? इस आपके ऑप्शन है दोस्तों, 4,000 रुपये, 6,000 रुपये, 7,000 रुपये या फिर 10,000 रुपये। इसका सही जवाब होगा दोस्तों 7,000 रुपये। छत्तीसगढ़ में राजीव गांधी भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना के तहत प्रतिवर्ष 7,000 रुपये की सहायता राशि प्रदान की जा रही है। इसके बारे में जान लेते हैं। छत्तीसगढ़ में इस योजना के तहत सहायता राशि को बढ़ाकर 6,000 रुपये से 7,000 रुपये किया गया है। अब राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना के बारे में भी जान लेते हैं। राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना का प्रारंभ 3 फरवरी 2022 को किया गया था। इसके अंतर्गत ऐसे किसान भाइयों व उनके परिवारों को लाभ प्रदान किया जाता है जिसके पास कृषि योग्य भूमि नहीं है परंतु वे कृषि कार्यों से जुड़े हुए हैं। बाद में इस योजना का विस्तार कर पढ़ाई, चरवाहा, मोची, लोहार, धोबी, नाई, पौनी पसारे व्यवस्था से जुड़े हुए लोग तथा वनोपज संग्रहण से जुड़े हुए भूमिहीन परिवारों को भी इसका लाभ प्रदान किया जा रहा है। पढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आज छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री वित्त संपदा योजना का प्रारंभ कब किया गया है? आपके ऑप्शन है, पहला 21 मार्च 2023 को, दूसरा 22 मार्च 2023 को, तीसरा 23 मार्च 2023 को, चौथा 24 मार्च 2023 को। इसका सही जवाब होगा दोस्तों 21 मार्च 2023 को। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने विश्व वानिकी दिवस के अवसर पर 21 मार्च 2023 को मुख्यमंत्री वृक्ष संपदा योजना का शुभारंभ किया। इस योजना का मुख्य उद्देश्य बड़े पैमाने पर वाणिज्यिक वृक्षारोपण को बढ़ावा देना है। इस योजना के अंतर्गत 1,80,000 एकड़ निजी भूमि पर चिन्हित प्रजातियों के 15 करोड़ वृक्ष लगाने का लक्ष्य रखा गया है। इस योजना के तहत 5 एकड़ तक वाणिज्यिक भूमि पर वृक्षारोपण करने वाले हितग्राही को 100% तक अनुदान तथा 5 एकड़ से अधिक वाणिज्यिक भूमि पर वृक्षारोपण करने वाले हितग्राही को 50% तक का अनुदान देने का प्रावधान किया गया है। इस योजना से किसानों को सालाना प्रति एकड़ 15,000 से 50,000 रुपये तक की आय होने का अनुमान है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है, 31 मार्च 2023 की स्थिति में छत्तीसगढ़ राज्य में गौठानों से कुल कितना क्विंटल गोबर की खरीदी की गई है? आपके ऑप्शन है, पहला 100.03 लाख क्विंटल, दूसरा 111.04 लाख क्विंटल, तीसरा 125.4 लाख क्विंटल, चौथा इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब होगा दोस्तों 111.04 लाख क्विंटल। गोधन न्याय योजना के तहत माननीय भूपेश बघेल जी ने 5 अप्रैल को 5.32 करोड़ रुपये का भुगतान हितग्राहियों के किया गया जिससे कुल भुगतान राशि का आंकड़ा बढ़कर 430 करोड़ 93 लाख रुपये हो गया है। 31 मार्च 2023 तक की स्थिति में गौठानों से कुल गोबर खरीदी 111.04 लाख क्विंटल किया गया है। छत्तीसगढ़ में गोधन न्याय योजना का प्रारंभ 20 जुलाई 2020 को किया गया था जिसके तहत 2 रुपये प्रति किलो की दर से गोबर की खरीदी की जा रही है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है, केरल राज्य के तर्ज पर छत्तीसगढ़ में किसकी खेती करने की तैयारी की जा रही है? आपके ऑप्शन है, पहला कॉफी की, दूसरा रबड़ की, तीसरा लीची की, चौथा इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब होगा दोस्तों रबड़ की। हाल ही में रबड़ अनुसंधान संस्थान द्वारा प्रायोगिक तौर पर बस्तर में रबड़ की खेती करने की तैयारी की जा रही है। इसके लिए इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय तथा रबर रिसर्च इंस्टीट्यूट के मध्य अनुबंध किया गया है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर।
हमारा अगला प्रश्न है, इनमें से किन्हें वर्ष 2023 में पद्मश्री से सम्मानित नहीं किया गया है। प्रश्न को दोबारा पढ़ते हैं, इनमें से किन्हें वर्ष 2023 में पद्मश्री से सम्मानित नहीं किया गया है। आपके ऑप्शन है कुमार सिंह कुंवर, अजय सिंह मंडावी, उषा बारले और मनोज वर्मा। इसका सही जवाब होगा दोस्तों मनोज वर्मा जी। हाल ही में दुर्ग जिले के श्री सुश्री उषा बारले को पंडवाइनी गायन के क्षेत्र में पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया गया है। वहीं बालोद जिले के लाटागोड़ निवासी कुमार सिंह कुंवर को नाचा कला को देश विदेश में ख्याति दिलाने के लिए पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तथा कांकेर जिले के रहने वाले श्री अजय कुमार मंडावी को राष्ट्र शिल्पकला के लिए पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। यह पहला अवसर है जब छत्तीसगढ़ में सबसे अधिक 3 व्यक्तियों को एक साथ पद्म पुरस्कारों के लिए चयन किया गया है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ राज्य में महिला उद्यमिता नीति कब से कब तक लागू किया गया है। आपके ऑप्शन है 2023 से 2028 तक, 2024 से 2029 तक, 2022 से 2027 तक, 2025 से 2030 तक। इसका जवाब दोस्तों हम आप अपने कमेंट बॉक्स में बताइएगा और इसका जवाब हम आने वाले अगले वीडियो में जरूर बताएंगे। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक एवं शेयर जरूर कीजिएगा। ऐसे ही अन्य वीडियो के लिए बघेल ट्यूटोरियल के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें तथा अन्य जानकारी के लिए टेलीग्राम ग्रुप से जुड़िएगा। धन्यवाद।